राम राम जी आप सभी को। तो मुझे कोल्ड हो रहा है, मेरी थोड़ी सी आवाज़ भी चेंज हुई पड़ी है। कोल्ड होने का जो रीज़न है ना, मतलब एलर्जेटिक ही होता है, ये एलर्जी से ही आपको कोल्ड होता है। और घर में चल रहा है पेंट, पहले नीचे पेंट हुआ था, अभी ऊपर पेंट हो रहा है, जिसकी वजह से मैं व्लॉग एडिट भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि ना इतना मैस हो रहा था घर में, पूरा घर फैला पड़ा था, सब सोफ़ा कहीं और, डाइनिंग टेबल कहीं और, रूम्स उथल पुथल पूरे हो रहे थे। तो चलिए जी, बात कर लेती हूँ मैं इस वाले व्लॉग की। मैंने ये शूट तो कर लिया था, थर्सडे व्लॉग है, लेकिन मैं इसकी एडिटिंग नहीं कर पाई थी। तो आज जो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, बच्चों के लिए नहीं, समायरा के लिए बना रही हूँ फ्राइड राइस, क्योंकि उसने मेरे को रात में ही बोला था कि मम्मा मैं फ्राइड राइस लेके जाऊंगी, जो आप कड़ी पत्ते में बनाते हो। तो उसके लिए मैंने पतीले में यहाँ पे चावलों को बॉईल कर दिया है, ताकि ना वो थोड़े खिले खिले बने, तो ये कर दिया है मैंने गैस ऑन। तो अभी तो नवरात्रि चल रहे हैं, उसकी वजह से लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने जीरा भी नहीं डाला है, सबसे पहले मैंने डाले सरसों के दाने, देसी घी लिया था और उसमें डाले, फिर मैंने कड़ी पत्ता, फिर इसमें छोटी छोटी चॉप की हुई बीन्स, गाजर, अदरक और थोड़ी सी मटर मैंने डाली। वैसे तो समायरे को मटर पसंद नहीं है, लेकिन अब वो ट्राई करती है कि खाने की कोशिश करे, क्योंकि कहती है कि मम्मा जो कलरफुल सब्ज़ियाँ होती हैं ना, वो देखने में इतनी अच्छी लगती हैं कि मन कर ही जाता है कि मैं खा लूँ। उसके बाद नीचे सोनू ने परी को बताया होगा कि बड़ी मम्मा फ्राइड राइस बना रही हैं, तो उसने बोला कि मम्मा मैं भी लेके जाऊँगी। और यहाँ पर आज मैंने पहली बार मैगी मसाला यूज़ किया है, समायरा के कहने पर उसने बोला कि मम्मा मैगी मसाला डालना मेरे फ्राइड राइस में। तो मैंने रात को ही इसके पाउच मंगवा के रख लिए थे, और बिलीव मी, मतलब आप काफ़ी सारे लोग मैगी मसाला का इस्तेमाल करते होंगे, मैं पहली बार कर रही हूँ, तो मैं इसका रिव्यू शेयर कर रही थी। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, मुझे सारू जब अपने रूम में से बाहर निकली ना, उसने बोला कि मम्मा बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो वाकई में मैगी मसाला इज़ अ मैजिक मसाला। तो यहाँ पर देखिए ये बनकर तैयार हो गए हैं फ्राइड राइस। हम तो भैया इन्हें नमकीन चावल ही बोलते थे, अब बच्चे इन्हें अलग अलग नाम देते हैं। मतलब हमारे टाइम में जब मम्मी हमारी ये बनाती थी, तो हमारे लिए तो ही नमकीन चावल ही थे ना, अभी बच्चों के लिए ही हो गए हैं फ्राइड राइस। और यहाँ पे मैंने पैक कर दिया है परी का टिफ़िन। ये वाला टिफ़िन मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ दिखाया था, आज मैं कर रही हूँ इसे यूज़, है ना भाई, प्रैक्टिकली यूज़ करके भी तो देखना चाहिए, ऐसे किसी प्रोडक्ट की तारीफ़ कर दें। तो यहाँ पे मैंने सारू के लिए रखी है दही, क्योंकि मेरे बच्चों को दही बहुत ज़्यादा पसंद है, ख़ास करके चावल के साथ। और इसके दो पार्ट में मैंने रखे हैं राइस। स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि छोटा स्पेस है, आप इसमें काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। तो इसके दो पार्टीशन में मैंने रखे हैं राइस, और एक में मैं रख रही हूँ ग्रेप्स, जो कि रात को ही मैं लेके आई थी बच्चों के लिए, क्योंकि अब मौसम हो रहा है चेंज, तो सर्दियों में तो फ्रूट्स भी इतने ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो मैंने दोनों तरह के ग्रेप्स यहाँ सारू के लिए रखे हैं, ग्रीन वाले भी और जो मुनक्के वाले ग्रेप्स होते हैं ना, मोटे वाले, वो भी। तो यहाँ पे सारू का लंच बॉक्स हो गया है रेडी, और हमारी मिठू जी ने बोला था कि मैं नहीं लेके जाऊंगी फ्राइड राइस, मेरे लिए आप कुछ और ही बनाना। तो फिर मैंने उससे भी पूछा कि तू क्या लेके जाएगी, तो उसने बोला कि मम्मा मेरे लिए पास्ता लेके जाना, पास्ता बनाना, मैं पास्ता लेके जाऊंगी। अरे तू लेट मत हो, तू जा बाद में खेल लियो। बच्चे छोटे बच्चे ही तो है ये अभी।
नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं चेतना वशी स्वागत करती हूँ आप सभी का समायरा धीरा और इरा के एक और न्यू व्लॉग में। तो आज है पांचवा नवरात्रा, कल गलती हो गई थी भैया, एंड थैंक यू सो मच, आप लोग इतने ध्यान से मेरी बातें सुनते हो, नोटिस करते हो कि मैं क्या गलत बोल रही हूँ क्या सही बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच, मतलब मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा, मुझे खुशी हुई कि आप सब लोगों ने करेक्ट किया कि कल चौथा नवरात्रा था, मैंने गलती से पांचवा बोल दिया, आज है पांचवा नवरात्रा। तो जय माता दी, आप सभी को पांचवा नवरात्रा बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज मैंने पहनी है ये लहरिया में बहुत डेली यूज वाली हल्की फुल्की सी साड़ी, मुझे तो बड़ी अच्छी लग रही है। तो ये व्लॉग तो मैं शूट ही कर रही हूँ, मतलब कल जो मैंने व्लॉग शूट किया था उसके नेक्स्ट डे यानी कि आज थर्सडे को मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, लेकिन इसे मैं अपलोड करूंगी फ्राइडे को, एक दिन का गैप दिया करूंगी बीच में, क्योंकि व्लॉग बनाना तो इजी होता है, शूट करना इजी होता है, लेकिन उसकी एडिटिंग में टाइम लग जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम चलते हैं नीचे, करते हैं पूजा, और ये बच्चा सुबह सुबह उठ कर मम्मा को कर देता है परेशान। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं ये व्लॉग। रात को अच्छी मालाएं देके जाता है ना, बोलो सचिया जोता वाली माता तेरे सदाई जय। से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ उनके पास दूध भेजना और दूध का निराश लौटना। ऋषि बोले, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक महासुरों ने अपने बल के मत से इंद्र से तीनों लोगों को राज्य और यज्ञ के भाग छीन लिए। वे दोनों सूर्य सुरों को हारे हुए तथा सर्वलोक से पृथक किए हुए अपराजिता देवी के स्मरण करने के लिए और विचार किया गया कि भगवती ने पहले हमें वरदान दिया था कि हम आपत्ति के समय स्मरण कर देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। जगित्री जग रह को लक्ष्मी दुर्गे सुकन्या नमो नमो अम्बे दुखनी निरंकार है ज्योति तुम्हारे की नेत्र तुम संसार दीना पालन हेतु खाना देना अनुपूर्णा भूज पाला तुम ही अमित सुंदरी दाता के दरबार में खड़े सभी हाथ जोड़ देने वाला एक है मांगे लाख करोड़ दाता इतना दीजिए जामे दृश समा मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधु न होता जाए जहाँ की बाकी शाम की बसी हृदय के बीच जब चाहे दर्शन करो झटपट नैना मीच एक घड़ी आधी घड़ी सौ घड़ी सौ पुनिया तुलसी संगत साज की हरे क्रोध अपरा सियावर राम जय जय राम रे प्रभु राम जय जय राम। ऐसे ले जाते हैं, जाओ दादी के पास जाओ, पकड़ पानी गिरा दे, पानी गिरेगा नहीं उसमें। हाँ ऐसे जाते हैं। कहाँ है मैं यूट्यूब
फैमिली मैं समायरा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का समायरा अधीरो और इरा के एक और न्यू व्लॉग में। तो आज है फ्राइडे और नवरात्रि का 6th डे और मैं और मम्मा जा रहे हैं और मिट्टू भी वेस्ट साइड है। मम्मा मम्मा कर रही है ड्राइव और अब हमारी ऑटम ब्रेक हो चुकी है शुरू। ये 5 डेज की है। 25th को हमारे स्कूल खुल जाएंगे और ये देखो मेरी मेहंदी जो मैंने स्कूल में लगवाई थी तो इट इज अ ब्लेसिंग फॉर अस। ओके जैसे आपको छींक आई है तो कभी भी आप छींक ऐसे नहीं कर सकते, नहीं आप छींक हमेशा ऐसे लेते हो अच्छी अच्छे मतलब अच्छे राम मतलब नहीं ये साउंड निकलता है छींक का क्योंकि जो हमारे नाक में से छींक के टाइम जो हवा निकलती है ना उसकी जो मतलब उसकी जो वो होती है गति गति हिंदी में बोलूंगी गति जो होती है वो 180 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से निकलता है वो हवा। इसलिए इतनी 180 किलोमीटर पर आर जो हवा निकलती है ना छींक मारते वक्त हमारे नाक से 180 किलोमीटर पर आर की रफ्तार होती है उसकी। इसलिए जब भी हमें छींक आती है ना हमें कभी भी अपने नाक को बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जो हवा है वो हमारी यहाँ से निकल सकती है हमारी गर्दन फोड़ के हमारे यहाँ दिमाग में जा सकती है हमें ब्रेन हैमरेज हो सकता है। तो इसलिए कुछ नेचुरल चीजें हैं जिन पे हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए। छींक आ रही है तो खुल के छींको और हमें अपनी छींक रोकनी भी नहीं चाहिए ना कभी नहीं रोकनी चाहिए क्योंकि जब इतनी स्पीड से नाक से आपकी हवा बाहर निकल रही है देखो ना जब हम छींकते हैं कितना प्रेशर पड़ता है कितनी तेज वो नाक से सांस दर्द भी होता है गले में थोड़ा। अगर हमने वो रोक ली तो वो हवा उसको निकलने के लिए कहीं ना कहीं से जगह चाहिए ना गर्दन फोड़ दे के यहाँ से फाड़ के निकल सकती है हमारे दिमाग में जा सकती है। तो मैं सारू मिट्टू के साथ आ गई थी वेस्ट साइड। मुझे घर के लिए थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान लेना था क्योंकि काफ़ी सारा घर का सामान ना ख़राब हो गया है लेकिन यहाँ पे भी ज़्यादा था नहीं कलेक्शन। आई थिंक थोड़े दिन बाद आएगा जो वेस्ट साइड है ना फरीदाबाद वाला जो सेक्टर 20B है पता नहीं 20A में है वहाँ मतलब मेरे घर के तो पास ही पड़ता है बस यही वाला जो सेक्शन था यही भरा हुआ था नहीं तो काफ़ी सामान रहता है। यहाँ पे कुशंस वगैरह कुछ भी नहीं थे ना उनके कवर थे डाइनिंग टेबल का रनर भी एक ही था उसमें मतलब एक ही तरह की पीस थे नहीं तो हमेशा इतनी सारी वैरायटी होती है पता नहीं क्या कर रहे हैं या तो अभी कलेक्शन लेके आएंगे। और उसके बाद फिर मेरे को बच्चों के एथनिक कपड़े लेने थे सूट वगैरह वो मुझे लगता है बीबा या वेस्ट साइड से ज़्यादा कहीं अच्छे नहीं मिलते हैं। बीबा जाने का टाइम नहीं था क्योंकि मेरे घर से थोड़ा सा दूर पड़ता है तो मैंने यहीं से ही बच्चों के कीर्तन के सूट लिए थे। पूनम दीदी की बेटी है प्राची समायरा का तो उसने कोई कुर्ता मंगवाया था ऑनलाइन वही पहनेगी मिट्टू के लिए परी के लिए इन सब के लिए लिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी घर और घर में आके फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया क्योंकि पेंट में से ना प्लास्टिक पेंट हो रहा है ये वॉशेबल है कुछ भी दाग छोटे बच्चे हैं ना घर में दाग वगैरह लगता है तो अच्छे से वॉश हो जाता है साफ़ हो जाता है। फिर जो लाइटें ख़राब हो गई थी वो भी इन्होंने बोला कि भाई चेंज हो जानी चाहिए तो फिर लाइटें भी लाया था सोनू और एक और लड़का है बबलू जो हमारी लाइटें वगैरह चेंज करता है। तो अभी साथ के साथ फिर मैंने सोचा जब इतने काम हो ही रहे हैं तो फिर सोफ़ा भी ड्राई क्लीन करा लेती हूँ गंदा हो रहा है बहुत ज़्यादा क्योंकि बच्चे कितना ही मना कर लो उनको बैठ के खाते हैं। और ये देखो ये इरा के काम है उसने स्केच चला दिया था ये मेरे बेडरूम की सेटी पर ना तो मैं भैया से यही कंफर्म करी थी कि निशान हटेगा कि नहीं तो उन्होंने बोला कि मैम हट भी सकता है नहीं भी हट सकता क्योंकि जो पैन होता है ना वो तो नहीं हटता लेकिन ये ट्राई करूँगा लेकिन हट गया था। तो यहाँ पे यही सारे काम अभी चल रहे हैं जिसके रहते ना तो मैंने कोई रील बना पाई आप मतलब काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपने रील भी नहीं डाली वो इसी रीज़न से नहीं डाली थी। दीदी नमस्ते मेरे को लग रहा था आपकी आवाज़ आ रही है मैंने कहा ऑन कर लो ज़रा फोन क्या हाल है ये बोल रही है तो अंदर सो रही है तो इसलिए मैं नीचे नहीं आ रही थी मैंने कहा दीदी ऊपर आ जाएंगी लेबर लगी है
उठा नहीं पाती है इसको, ये चारों मिट्टू पर ही तीनों नहीं उठा पाती, बैठ गई ना उल्लड़ हो जाती है। मम्मी को ना एनीवन के लिए वाइट शर्ट और कोट चाहिए। खुशी आई है मेरे नेल्स करने हैं खुशी, माय वन एंड ओनली फेवरेट द खुशी नेल एक्सटेंशन। सॉरी तुम्हारा नंबर मैंने सेव किया है खुशी नेल एक्सटेंशन से अभी भी। खुशी ना मेरे ऐसे नेल्स करके गई है, ये देखो अच्छे लग रहे हैं ना, क्योंकि कल के दिन में मैं ऐसी पिंक कलर की साड़ी पहन लगी। तो माय डियर यूट्यूब फैमिली ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में यानी कीर्तन वाले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।